हेलो गाइस, कैसे हो सब। तो आज का ब्लॉग है, आज अमजद भाई मुझे मिले, ये पाकिस्तान से हैं। तो अमजद भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और बताइए कुछ अपने बारे में। अच्छा, इस टाइम पे वैसे इंडिया में डेढ़ घंटा पीछे मतलब आगे है दुबई से। पाकिस्तान में कितना टाइमिंग क्या रहता है? पाकिस्तान में एक घंटा पीछे है। एक घंटा पीछे है। अच्छा, बनते हैं तो पाकिस्तान में कितना बनता है? 59। अच्छा, अगर यहाँ के 2 रुपए समझिए वहाँ का 120 समथिंग हो गया, 180 ना। अरे वाह, यहाँ के अगर 2 रुपए इंडिया के समझिए वही हुए 44। क्या बात है। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फेमस क्या है खाने का? खाने के लिहाज से पेशावरी कढ़ाई है। अच्छा, ठीक है। चिकन कढ़ाई है, लाहौरी कढ़ाई है, बिरयानी है, कराची की बिरयानी, बम्बई की बिरयानी। अच्छा, बम्बई का भी नाम है? हाँ, बम्बई बिरयानी। क्या बात, ये कराची वाले लोग बनाते हैं। अच्छा, और बहुत कड़ाकेदार होती है, धुएं निकालती है। अच्छा, क्या बात है। तो आप पाकिस्तान में कहाँ से? मैं पाकिस्तान पंजाब से अटक से हूँ। अटक से। ओके, तो आप कभी इंडिया आए? इंशाल्लाह, अगर आप लोग वीज़ा देते हैं तो आ जाएंगे इंडिया। अरे बिल्कुल, इंशाल्लाह आइए और घूमिए। इंडिया में भी काफ़ी चीज़ें हैं घूमने वाली, टूरिस्ट, और मैं भी कभी इंशाल्लाह आऊँगा। बिल्कुल, आप आएंगे, आपको दिखाते हैं, आपको खाने खिलाते हैं। अरे लाहौर के आप कराची की बिरयानी है, निहारी। अच्छा, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं। अच्छा, अरे वहाँ घूमने वाली क्या चीज़ें हैं? तो बहुत जबरदस्त है, जिस तरह आपका शिमला है। अच्छा, हमारे यहाँ मरी है, नारान है, कहान है, शिमाली इलाका जहाँ तुम्हारे बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर राजस्थान वो जो है, सिंध की तरफ चले जाए तो वहाँ रेगिस्तान है। अच्छा, पंजाब में आ जाए तो वहाँ यहाँ पे दरिया है। अरे वाह, माशाल्लाह। तो फिर जैसे सपोज इंडिया के बहुत से बॉर्डर्स हैं जहाँ पाकिस्तान से टच है, तो आपका कौन सा बॉर्डर पड़ता है इधर? इंडिया का मेरे साथ जो बॉर्डर पड़ता है वो नज़दीक जो है वो कश्मीर का पड़ता है। कश्मीर? हाँ, कश्मीर का पड़ता है। लाहौर का है, लेकिन लाहौर में ज़रा दूर बन जाता है बस। अच्छा, क्योंकि मैं अटक जो है ये अटक किले के नाम से बड़ा मशहूर है। अच्छा, अटक दरिया एक तरफ वो हमारा KPK और साथ फिर आगे पंजाब से हो जाता है, यानी हम पठानों को, पठान भाइयों को हम वेलकम करते हैं पंजाब में। अरे वाह, क्या बात। तो हम उधर जाते हैं तो वो वेलकम करते हैं। अच्छा, अरे वाह। ओके, तो मुझे देखें, मैं बताऊं, मुझे पाकिस्तान का सपोज खाना, मैंने सुना है खाना टेस्टी होता है बहुत ही ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। हाँ, शक नहीं है इसमें। खास कर हमारा जो खास स्पेशल इलाका है गुजरांवाला। क्या नाम है? गुजरांवाला। अच्छा, वहाँ के खाने, वहाँ का दूध, एवरीथिंग। अच्छा, वहाँ जो टेस्टी जो पास हो गया वहाँ वो पूरे, मैं तो कहता हूँ दुनिया में कहीं फेल नहीं हो सकता। अच्छा, खाना बनाने जो पास हो गया। अच्छा, माशाल्लाह। अरे वाह, तो आप इंडिया आए बिल्कुल और है, मैं आपको घुमाऊंगा, और अगर मैं इंडिया में हूँ और है आपको दिखाऊंगा। क्योंकि हम भी गुजरात राजकोट से थे। अच्छा, अरे गुजरात राजकोट के राजपूत घराने गए हम भी। अच्छा, चले गए थे पाकिस्तान। ये तो है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा, मुझे ना आपकी बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा, मतलब ना जो टोन है पंजाबी टोन, और थोड़ा सा वैसे मेरे तरफ जो है मैं हिंदी है। हाँ, हिंदी का रहता है, लेकिन वो नॉर्मल जैसे बोल रहा हूँ ना मैं, सीधा है। हाँ, आपका थोड़ा सा अच्छा टोन लगता है मुझे, थोड़ा सा। ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है वायरल गैंग VG। तो आप अपने हिसाब से बोलिए, अपनी टोन में। वायरल गैंग VG को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने हिसाब से। भाई साहब, वायरल गैंग बीजी को लाइक कीजिए और अपने साथ शेयर कीजिए। हाँ, और इसकी वीडियो देखिए, व्यू कीजिए और लाइक कीजिए। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हाँ, अगर पाकिस्तान में भी ये वीडियो देखी जा रही है तो वहाँ भी लाइक करिए, कमेंट करिए और
और क्या कर सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा अमजद भाई। और अमजद भाई, आप दुबई में कितने साल से? दुबई में 3 साल से। 3 साल से, अरे वाह, बहुत अच्छा। तो मैं भी आज अमजद भाई के साथ दुबई घूमने के लिए निकला हूँ। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, शारजा या अबू धाबी? शारजा जा रहे हैं। शारजा, और उधर साइड में प्लेन खड़े हुए हैं, शायद कैमरे में नहीं आएगा। तो यहीं से मैं सोच रहा हूँ फ्लाइट पकड़ के चलते हैं इंडिया। एयरपोर्ट आ गए हैं। हाँ, दुबई एयरपोर्ट है। तो यहाँ काफ़ी रश भी है। यहाँ भी रश, छुट्टी का टाइम हो गया। हाँ, रश रश। तो मैं थोड़ा रश दिखा देता हूँ। छुट्टी के टाइम भी यहाँ रश हो जाती है, काफ़ी रश है यहाँ पर। और बाकी बात रही, जैसे मैंने देखा जब क्रिकेट होता है तो सबसे ज़्यादा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है खसूस, हाँ, तो सबसे ज़्यादा ऑडियंस ना एक्टिव रहती है इंडिया की तरफ, कोई होता है पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में पाकिस्तान की तरफ, इंडिया में इंडिया की तरफ, तो जो भी रहता है। तो आज देखिए, आज इंडिया पाकिस्तान साथ में, साथ में। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, वो सब एक गेम है बस, बाकी सब इंसान एक है। ऐसा है कि जिस तरह बॉलीवुड स्टार बनाता है, हाँ, तो क्रिकेट में पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो दोनों तरफ से स्टार बनते हैं। हाँ, कभी इंडिया जीतता है, कभी पाकिस्तान जीतता है। वो जो प्रेशर झेल लेता है ना, हाँ, प्रेशर सह लेता है, वो स्टार बन जाता है। एग्जैक्टली। अब जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान के या इंडिया के, अगर उनका नाम है तो अगर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी अच्छा खेला है तो उनका नाम रहेगा। हाँ, बिल्कुल। तो इसी तरह पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ अच्छा खेला तो उसका नाम रहेगा। हाँ, ये बात है। ये स्टार बन जाते हैं अगर खेलते कम है हम तरफ। तो ये तो एक गेम है, बाकी तो सब एक से है। और क्या, देखिए मैं भी यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया साथ में है, और साथ में ही 6 मार रहे हैं, साथ में 4 मार रहे हैं, साथ में भी खाना खाया है, साथ में भी खाना खाया, सब इक्वल है। उन लोगों ने ऐसे मेंटेलिटी है, ऐसा कर रखा है, बाकी सब इक्वल है, सब अच्छे हैं। और जैसे मैं आपके लिए अननोन हूँ, आप मेरे लिए अननोन है, लेकिन हाँ ब्लॉग में या वीडियो में बातचीत में ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब इक्वल है। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे रहिए, यूनिटी रखिए। और अभी हम लोग थोड़ा सा जा रहे हैं शारजा घूमने के लिए, तो वहाँ थोड़ा घूम के, और है फिर थोड़ा सा मुझे काम था, थोड़ा कुछ शॉपिंग वगैरह, उसके बाद फिर वापस चले जाएंगे। तो अमजद भाई बहुत अच्छा लगा। ओके जी। और ये लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, आप भी इसको शेयर करिएगा पाकिस्तान में। हाँ, इंशाल्लाह। चलिए, ओके बाय, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो आप।